और इस वक्त की अहम खबर पर इस वक्त नजर डाल लेते हैं। इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में रचा इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सुबह 9 बजे LVM3 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से वन वेब के 36 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग को अंजाम दिया है। ये उपग्रह दुनिया भर में अंतरिक्ष के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराने में होंगे बेहद मददगार। 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कह सकते हैं उसमें स्थापित किया है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत इसरो ने ब्रिटेन के 72 उपग्रह भी प्रक्षेपित करेगा। और तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने देख सकते हैं सी तस्वीरें श्रीहरिकोटा से वन वेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं। We are 15 minutes past the launch time. Cryogenic upper stage currently thrusting. तृतीय चरण C25 सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह इंजन इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। अभी अभी पुष्टि हुई C25 इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। द C25 स्टेज थ्रस्ट हैज बीन कट ऑफ एंड नाउ वी आर अवेटिंग द करेक्ट इंजेक्शन पैरामीटर्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड बैच ऑफ सैटेलाइट। 16 मिनट्स प्रथम चरण के 4 उपग्रहों की कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी। इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। Today's launch will bring the total number of satellites in the constellation to 618. A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. OneWeb will become the first LEO operator to reach this milestone of being ready to roll out its global coverage. वर्तमान में तृतीय चरण इंजेक्शन कंडीशन आर अचीव्ड अपनी उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम समूह के 4 उपग्रहों का प्रमोचन। क्रायो स्टेज ओरिएंटिंग इटसेल्फ फॉर द सेपरेशन इवेंट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ सैटेलाइट्स namely 1K, 3K, 5K and 7K. 30 seconds from then, the second batch of satellites, namely 2A, 4A, 6A and 8A will be separated. Plus 18 minutes. न सिर्फ इसरो के बल्कि वन वेब कंपनी के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे। ईच सैटेलाइट वेज 150 kgs एंड द क्यूमुलेटिव पेलोड मास फॉर दिस मिशन
is 5,805 kgs, including the satellite dispenser. Plus 19 minutes. कक्षीय स्थितियां प्राप्त हो चुके हैं. अब कुछ ही क्षणों में प्रथम चार उपग्रह 1K, 3K, 5K और 7K का प्रक्षेपण होगा. वन के, थ्री के, फाइव के, सेवन के सैटेलाइट्स आर सेपरेटेड. और यहां हर्ष कपल सबके सामने प्रथम चार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है. अगले 30 सेकंड में अगले चार उपग्रह 2A, 4A, 6A और 8 का अंतक्षेपण किया जाएगा. Here the LVM3 M31 Web India 2 mission has injected its first batch. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. Visuals from the onboard camera confirming the separation event of the second batch of satellites 2A, 4A, 6A and 8A. जी हाँ, सफलतापूर्वक द्वितीय समूह के चार उपग्रहों को अंतक्षेपित कर दिया गया है, 2A, 4A, 6A और 8A. यह सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पल, यह मिशन अपनी सफलता की ओर. करंट ऑल्टीट्यूड इज 457 किलोमीटर्स. The satellites will eventually be maneuvered into the altitude of about 1200 kilometers. Plus 21 minutes. 12 orbital planes cumulatively contain 588 satellites that are active. Each orbital plane has a separation of 4 kilometers in altitude to avoid collision of satellites. ऑनबोर्ड कैमरा का यह विहंगम दृश्य जिसमें हम देख रहे हैं सैटेलाइट अपनी यात्रा शुरू कर चुका है. अभी मिशन जारी है. अगले अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे अन्य चार उपग्रहों का प्रमोशन. इस दौरान तृतीय चरण पुनः कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने के लिए उचित अभिवृत्ति प्राप्त करेंगे. अगले समूह के चार उपग्रहों को प्रमोशन के लिए अब से करीबन 800 सेकंड की देरी लगेगी. The separation events are timed apart as 30 seconds and 800 seconds between alternate batches. The first and second batch of satellites have been separated. Now we are waiting the third batch of satellites. But in the meantime, the cryogenic upper stage will reorient itself and add velocity to get ready for the next separation. The first and second batch of satellites have been injected into 455 and 56 kilometers of altitude with a relative velocity of 7.628 kilometers per second. For the next batch of satellites, the stage will go to an orbit of 469 kilometers altitude, while the relative velocity will be 7.611 kilometers per second. इस मिशन में सभी 36 उपग्रहों को 5 चरणों में उनके उद्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा. क्रायो स्टेज के बंद होने के पश्चात
प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। इसमें लिक्विड एपोजी मोटर्स की मदद से उचित अभिवृत्ति नियंत्रण किया गया और यान कक्षा प्राप्त करते ही अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को प्रमोचित किया गया। अभियान द्वितीय चरण की ओर चल पड़ा है। इस कक्षांतरण में लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जानी है और सापेक्ष गति 7.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी है। फिर पुनः उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर यान अन्य चार उपग्रह के समूह का अंतक्षेपण करेगा। इसके पश्चात तृतीय चरण का अंतक्षेपण प्रारंभ होगा, जिसमें 1A, 3A, 5A और 7A नामक उपग्रहों को उनके उद्दिष्ट कक्षा में 469 किलोमीटर तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष गति के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस घटना के 30 सेकंड के पश्चात अगले चार उपग्रहों को जो हैं 2B, 4B, 6B और 8B, इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। इन उपग्रहों के प्रमोचन तक हम 16 उपग्रह अपनी कक्षाओं पर स्थापित कर चुके होंगे। अभियान हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर चला जाएगा, लेकिन पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार यान अगले चरणों को, जो कि बाकी के 20 उपग्रह हैं, उन्हें प्रक्षेपित करता रहेगा और पृथ्वी के चक्कर लगाकर जैसे ही वह स्वालबर्ड स्थित भू स्टेशन से संपर्क बनाएगा, वह हमें पुष्टि करेगा बाकी के 20 उपग्रह के प्रमोचन की। We are 26 and a half minutes away from past the launch time. The total mission duration of LVM3 OneWeb India 2 mission is 75 minutes. तृतीय चरण अपने अगली कक्षा के लिए अग्रसर है, जो कि 469.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति होगी। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Speaking about the OneWeb satellites, the payload of the satellite is a bent pipe system operating in Ku and Ka band. The forward link receives Ka band signals from the gateway via the satellite Ka antenna. The return link receives Ku band signals from the user terminals via the satellite Ku antenna. The next batch of satellites to be separated are 1A, 3A, 5A and 7A. Thereafter, the fourth batch, namely 2B, 4B, 6B and 8B will be separated. यान पूर्व निर्धारित तरीके से प्रदर्शन करता हुआ अपने मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर है। अब तक हम LVM3 की 5 सफल प्रमोचन देख चुके हैं। वर्तमान में यह LVM3 का 6वां प्रमोचन है। ज्ञात हो कि LVM3M1 मिशन के साथ हमने प्रसिद्ध चंद्रयान 2 मिशन का प्रमोचन इसी यान से किया था। फिर LVM3M2 में हमने देखा कि
वनवेब के प्रथम 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था और वर्तमान में M3 जो कि अगले 36 उपग्रहों को उनके निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। LVM3 इसरो का सबसे भारी और सबसे उन्नत प्रमोचन यान है जिसने अपनी विश्वसनीयता और दृढ़ता सिद्ध की है और आगे भी कर रहे हैं। इस वर्ष का यह द्वितीय मिशन है इसरो के लिए। इससे पहले SSLV-D2 EOS-7 का सफल मिशन हमने 10 फरवरी 2023 को देखा था। We are 30 minutes past the launch time and currently the Antarctica ground station is tracking and cryo stage is reorienting itself for the third batch of separation event. A few seconds later, after confirming the next two batch of satellite separation, the rocket goes out of the visibility range of the ground stations. After a gap of 43 minutes, the data will be acquired by the Svalbard ground station. चूंकि यह मिशन पूर्ण दक्षिणी मिशन है, इसमें शार स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस, इसके अलावा बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और खास तौर पर तैनात किए शिप बोन ट्रैकिंग, अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन, स्वालबर्ड स्थित तथा लखनऊ स्थित भू स्टेशन हमें इस यान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन हमें यान के आंकड़े प्रदान कर रहा है। Twenty satellites of this mission will be separated in the non-visibility region, whose confirmation will be available much later. अभियान उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर रहा है। वनवेब के प्रथम पीढ़ी के उपग्रह नक्षत्र 150 केजी वाले उपग्रह के समूह हैं। अब तक 588 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। इस प्रमोचन के पश्चात यह संख्या 618 पहुंच जाएगी। इन सभी उपग्रहों को 12 समतल प्लेन्स में बांटा गया है और यह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से सेवाएं प्रदान करेंगे। हर एक प्लेन में आपस में 4 किलोमीटर की दूरी बनाई गई है ताकि इससे टकराव की संभावना खत्म की जा सके। तृतीय और अंतिम चरण यान का उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर चुका है। कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में अगले समूह के 4 उपग्रह 1A, 3A, 5A तथा 7A का अंतक्षेपण उनकी निर्दिष्ट कक्षा में किया जाएगा। 1A, 3A, 5A, 7A satellites are separated. And we have the confirmation of the separation of satellites 1A, 3A, 5A and 7A. This completes the third batch of separation. जी हाँ, तृतीय समूह के उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले कुछ सेकंड्स में अगले 4 उपग्रह 2B, 4B, 6B तथा 8B. 6B, 8B satellites are separated. Now we have the confirmation of the fourth batch of satellites. This is range operation director. 16 satellites are separated till now. Mission is continuing. Remaining 20 satellites will separate as per timeline in the non-visibility period. These 20 satellite separation will be confirmed after Svalbard telemetry station acquisition. During the non-visibility period,
Ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions. Others shall reassemble at 10-10 hours IST. Over to Mission Director. सोलह उपग्रह प्रमोचित किए जा चुके हैं, अभी भी मिशन जारी है, अगले 20 उपग्रह प्रमोचित किए जाने हैं, कुछ समय पर इसकी पुष्टि की जाएगी। So far 16 satellites have been injected into the orbit, 20 more to go. Now let's join for the address by Secretary DOS Chairman ISRO, Sri S. Somnath. Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit, and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of GSLV MAR-3, that is LVM-3. And I want to specifically thank NSIL for bringing this opportunity to us, and also for the confidence that OneWeb India team has on ISRO for building this rocket for them for this commercial launch. I also want to thank ISRO for the wonderful work that they have done to make this rocket very reliable and rugged, once again demonstrating the capability of the rocket for placing large, heavy payloads into the right orbit without any glitch. And we look forward for greater engagement with our commercial partners for making this rocket one of the best in this class. So specifically, I want to thank the entire ISRO family, the GSLV MAR-3 project team, for making this historic event happen today. So let me also introduce the Chairman and Managing Director of NSIL, Sri Radhakrishnan, and also the Mission Director of the LVM-3, this mission, Mr. Mohana Kumar. So over to Radhakrishnan. Good morning, and I'll share the views of Chairman ISRO, Secretary Department of Space, in congratulating the entire team ISRO for giving us this wonderful, wonderful mission, what we have seen. As you all know, I think having a repeat performance of any particular launcher, it's not an easy thing to do. And what we had demonstrated today using the GSLV MAR-3 for the commercial customer, it is extremely momentous day for us. The kind of maneuvers, one special thing what we see in this particular mission is the cryogenic stage being used for doing such a complex maneuver to meet the requirements of OneWeb in deploying 36 satellites. It's extremely challenging stuff that has been done and repeated here once again in the second mission. Now, on behalf of New Space India Limited and ISRO, we would like to compliment our customer, esteemed customer, who had given a lot of faith and belief in us and building in our capabilities. And I would say we are doubly happy that we are part of such big journey the OneWeb has gone through in the last 3 years. By deploying these particular satellites, I know your services are going to go global. And we are delighted that we are a small contribution to your such a long journey that you have done over several years. I would like to take this opportunity to reassure OneWeb and the entire team here that NSIL would be happy to engage in any future endeavors that would like, in addition to the launch solution that we will continue to provide to your team. Thank you very much, and thank you entire ISRO team for this moment.
Thank you, sir. Respected Chairman ISRO, Secretary Department of Space, dignitaries, viewers, very good morning to you all. Once again, the launch vehicle LVM3 has shown its might and ruggedness in taking heaviest payload from our soil to the precise orbit which is required by the satellite. The orbital parameters are achieved and the 36 satellites are being deployed in a sequential manner in 9 steps of 4 numbers each, and 16 satellites are already now, we have got the data. Now once the vehicle is coming to the visibility range, remaining satellites separations also will be reported. I take this opportunity to thank the entire team ISRO, especially from the launch vehicle centers, the VSSC, LPSC, IPRC, ISTRAC and SDSC SHAR for the wonderful successful mission, and all the deliverables from all the SDAs have performed perfectly well and its intended functions were happened. And this time we have done the assembly of the vehicle in the newly built second launch second vehicle assembly building, wherein from the nozzle trial actuation through the S200 stacking to the entire vehicle integration was carried out under one roof with utmost care and best standards of safety. And the vehicle was moved to the launch pad also through a newly built track. Every activities were smooth and safe, and we could achieve the mission in a wonderful manner. I take this opportunity to thank all the industrial partners of ISRO who are supplying the products. The uninterrupted supply of hardware and resources are key players. तो इस वक्त आप देख रहे थे सीधा प्रसारण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से, जहां पर इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास। LVM3 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से वन वेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और ये उपग्रह दुनिया भर में अंतरिक्ष के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराने में बेहद मददगार होंगे और ये इस साल का इसरो का दूसरा सफल मिशन है। हमारे साथ इस पक्ष स्पेस एक्सपर्ट अजय लेले जुड़ गए हैं, उनसे और बात करेंगे इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी का आपका हमारे इस खास शो में। हम इस वक्त देख रहे हैं, हमने सीधा प्रसारण देखा कि कैसे इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा है और ये इस साल का दूसरा सफल मिशन है कि किस तरह से ये प्रक्षेपण किया गया। और अभी हम उनके हेड को भी सुन रहे थे, उनके चीफ इसरो चीफ को सुन रहे थे कि कितना चुनौतीपूर्ण था ये, अब तक के सबसे भारी उपग्रहों में से था जिसे छोड़ा गया है अंतरिक्ष में। अगर शुरुआती सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चुनौतियां रही इस पूरे मिशन में। मेरे विचार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण इसलिए है क्योंकि इसरो ने एक न्यू स्पेस इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जी। और ऐसा हुआ कि यूक्रेन वॉर के वजह से रशिया न्यू स्पेस इंडिया के सैटेलाइट्स भेजने वाला था, लेकिन न्यू स्पेस इंडिया सॉरी वनवेब पे सैटेलाइट्स भेजने वाला था, लेकिन वनवेब के सैटेलाइट्स रशिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। इसीलिए वो एक अल्टरनेटिव क्लाइंट ढूंढने लगे कि जो ये सैटेलाइट्स भेज सकता है। सो इंडिया के पास GSLV व्हीकल ऑलरेडी तैयार था, जो व्हीकल बेसिकली आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भेज सकता है, लेकिन यही व्हीकल आप लो अर्थ ऑर्बिट में भी यूज कर सकते हैं। और हमने अक्टूबर 2022 में इसका पहला परीक्षण किया था जब हमने वनवेब के 36 सैटेलाइट्स को भेजा था, और आज ये दूसरा मौका है जब हम अगेन वनवेब के रिमेनिंग 36 सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। वनवेब का एक ये बहुत बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि उन्होंने आज तक 18 लॉन्चेस किए हैं सैटेलाइट्स के, 600 से ज्यादा सैटेलाइट्स उनके अब आसमान में प्रस्थापित है और वो ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। सो इंडिया ने एक महत्वपूर्ण कदम इसलिए रखा है क्योंकि जो ग्लोबल इंटरनेट सर्विसेज होगी जिसमें खाली ये वनवेब अकेला पार्टनर नहीं है जो यूके की एजेंसी है, इंडिया की भारती भी इसमें एसोसिएटेड है। सो ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड जो करने वाले होंगे उसमें इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, और इसरो का योगदान इसलिए होगा क्योंकि इसरो ने ये स्थापित कर दिया है कि वो एक सेफ और सस्टेनेबल वे से सैटेलाइट्स को आसमान में भेज सकते हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष क्षेत्र में यहां पर भारत की एक बड़ी छलांग यहां पर है। किस तरह से आज जो भारतीय मिशन के साथ साथ एक हम कह सकते हैं
एक वाणिज्यिक शाखा के रूप में किस तरह से पूरे दुनिया को एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर ये निकल कर आया है एक और उपलब्धि के साथ इसरो यहां पर। आपने जिस तरह से बात की कि अंतरिक्ष में 600 से अधिक उपग्रह यहां पे हो जाएंगे जो विभिन्न देशों को एक अंतरिक्ष सेवा से इंटरनेट प्रदान कर पाएंगे, अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से बोलें तो यहां पर आपको क्या लगता है एक बड़ी छलांग है यहां भारत की? ये बहुत बड़ी छलांग इसलिए है, इसलिए मैंने दो पहलू बताए उसमें। एक तो हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं, इसका मतलब ये इसरो का एक कमर्शियल एक्टिविटी सक्सेस दिखा रहा है जी। इसके मद्देनजर ऐसा होगा कि फ्यूचर में भी हम काफी सारा ग्लोबल मार्केट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन ग्लोबल मार्केट में सैटेलाइट मार्केट में बहुत कम है, 2% के बराबर है। इसका रीजन ये था कि हमारे पास एक अच्छा व्हीकल नहीं था, हम खाली जब PSLV के लॉन्चेस होते थे अगर थोड़ी जगह बचती थी तो उसमें से हम हमारे सैटेलाइट्स भेजते थे। सो एक एक्सक्लूसिवली व्हीकल हमने तैयार किया है कि जो खाली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि हाल ही में इंडिया ने एक दूसरा सफल परीक्षण किया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, वो भी एक अच्छा व्हीकल है कि जिसके जरिए आप 500 kg या लेस वेट के सैटेलाइट्स को आसमान में भेज सकते हैं। आजकल लो अर्थ ऑर्बिट में स्मॉल सैटेलाइट्स का काफी बड़ा मार्केट आ रहा है, ऐसा कह जा रहा है कि आने वाले दिनों में 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च होने की संभावना है। तो अब इंडिया के पास लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजने के लिए दो सक्षम व्हीकल्स हैं और इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है। आज का जो टेस्ट था वो सेकेंड टेस्ट था, महत्वपूर्ण टेस्ट था, सफल टेस्ट था। तो अब ये हो चुका है कि इंडिया का ये व्हीकल रिलायबल है। वैसे ही हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का भी महत्वपूर्ण परीक्षण सक्सेसफुली किया है, तो वो भी एक व्हीकल अब अवेलेबल है। सो अगर हम बात करेंगे लो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने की, तो अब इंडिया के पास दो सक्षम व्हीकल्स हैं जो खाली कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। इससे पहले भी हम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स भेजते थे, 1999 से भारत ये सैटेलाइट्स भेज रहा है, लेकिन हम PSLV में जो इंडिया के मिशन होते थे उसमें अगर थोड़ी बहुत जगह बचती थी तो हम उसको छोटे सैटेलाइट्स उसमें भी डालते थे और उसको प्रक्षेपित करते थे। लेकिन अब हमारे पास दो कमर्शियल व्हीकल्स अवेलेबल हो गए और ये एक कमर्शियल दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। बिल्कुल, तो किस वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इस वक्त भारत किस तरह से अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा रहा है, इस पर लगातार हम बात करेंगे। अजय जी, आपने बात की कि पहले जो ये पूरा लॉन्च था वो रशिया को करना था, लेकिन जिस तरह से इस पूरे जंग के चलते, रशिया यूक्रेन जंग के चलते, भारत को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली। कह सकते हैं कि अगर हम भारत की अगर बात करें, भारत के अंतरिक्ष उद्योग की अगर हम बात करें, तो एक हमारी बहुत ही खास विशेषता है कि हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है या जिस तरह की टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस कॉस्ट हम करते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की जो पूरी स्थिति है उसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और ज्यादा एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन और एक सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए क्या एक ऐसी चुनौती हो सकती है, क्या और बेहतर हो सकता है, सुधार की आवश्यकता हमें है? कि आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज मिल रही है अजय जी? मेरे विचार से आप अंतरिक्ष बाजार के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हम अंतरिक्ष बाजार की बात करें तो अंतरिक्ष बाजार में 3-4 पहलू हैं। एक, जो आज हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए वो एक लॉन्चिंग सर्विस होती है। दूसरी सर्विस होती है कि कई सारे ऐसे छोटे देश हैं कि जो सैटेलाइट्स क्रिएट नहीं कर सकते, सैटेलाइट्स डिजाइन और डेवलप नहीं कर सकते, तो उसमें भी आपको एक अंतरिक्ष बाजार का बड़ा भाग होता है। तीसरी सर्विस होती है कि जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं वो ग्राउंड सिस्टम्स को भी एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। और एक चौथी सर्विस होती है जहां पे आप खुद अपने सैटेलाइट्स भेजते हो, डेटा इकट्ठा करते हो और वो डेटा को आप बेचते हो। तो मेरे विचार से भारत अब ये चारों एरियाज में काफी सक्षम है। हमने ऑलरेडी यूरोप के छोटे कंट्रीज के लिए सैटेलाइट्स बना चुके हैं कई साल पहले, तो हम सैटेलाइट्स भी ऑन ऑर्डर बना सकते हैं। आज जैसा हमने देखा, हम सैटेलाइट्स को लॉन्च भी कर सकते हैं, हमारे पास काफी अच्छा नेटवर्क है, हमारे पास काफी अच्छी सुविधा है, हमारे पास काफी अच्छा इंटेलिजेंस है, और मैं ये कहूंगा कि हमारे पास काफी अच्छी मात्रा में लोगों के पास एक्सपीरियंस है कि जहां पे हम ग्राउंड स्टेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं। कपल ऑफ इयर्स बैक भारत ने साउथ एशिया सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके बाद ऑल साउथ एशियन कंट्रीज में ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत थी, तो भारत के साइंटिस्ट ने ही वहीं जाके ये ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। भूटान जैसे राष्ट्र में, नेपाल जैसे राष्ट्र में भारत ने काफी उन्हें मदद किया था। तीसरी चीज सैटेलाइट डिराइव्ड डेटा की, सैटेलाइट डिराइव्ड डेटा भारत कई सालों से, भारत की एक एजेंसी है
जिसके थ्रू वो एक ऑफिशियली खरीद होती है उसकी मार्केट में, तो सैटेलाइट डिराइव डेटा भी भारत दे सकता है। खाली भारत जहां लैक करता है वो है हम बड़े सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका मतलब जो आपके वेदर सैटेलाइट्स होते हैं, आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, वो हम लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। हमारा GSLV Mark 3 अभी सक्सेसफुल हुआ है, हमने ऑलरेडी 3-4 सक्सेसफुल लॉन्चेस किए हैं, सो आने वाले दिनों में हम ये एक एरिया में ज्यादा लक्ष्य प्रस्थापित करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर ऐसा होगा कि खाली लोअर अर्थ ऑर्बिट नहीं, हायर ऑर्बिट्स में भी भारत सैटेलाइट्स लॉन्च करने की सक्षमता रखेगा, और जो ग्लोबल मार्केट है बिग सैटेलाइट्स लॉन्च करने का वो भी भारत के पास आएगा। आज भारत की जो प्राथमिकता है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजने की है, वो मेरे विचार से अब हमने काफी हद तक प्रूव कर दी है, अब हमें हायर ऑर्बिट्स की तरफ देखना पड़ेगा, और बाकी ग्राउंड सर्विसेज और सैटेलाइट डेटा और सैटेलाइट मेकिंग सर्विसेज में भारत ऑलरेडी प्रगतिशील है, और वहां पे भी भारत अच्छी तरह से कस्टमर्स को आकर्षित कर रहा है। बिल्कुल, तो ये इस साल का दूसरा सफल मिशन था, आपने आगे की राह की बात करी, लेकिन आप सबसे ज्यादा आप चैलेंजेस क्या देखते हैं इसरो के लिए आगे? आने वाले समय में हमारे काफी सारे मिशन्स हैं। हमारा एक आदित्य L1 करके बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो हम सूर्य की तरफ भेजेंगे, बेसिकली टू अंडरस्टैंड कोरोना एंड अदर प्रमोशन पार्ट्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। देन हमारा गगनयान मिशन है जो कोविड के कारण थोड़ा डिले हो चुका है, मेरे विचार से अगले वर्ष के अंत में हम गगनयान मिशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसरो का प्रोग्राम देखेंगे तो गगनयान मिशन के लिए काफी सारी चीजों को टेस्टिंग करना पड़ता है, सो काफी सारे टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। देन हमारा एक नासा के साथ प्रोग्राम चल रहा है जिसको नासा और इसरो मिलके एक सिंथेटिक एपर्चर रडार वाला सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर जनवरी में। वो सैटेलाइट ऑलरेडी बन चुका है, वो इंडिया की धरती पे आ चुका है, अब उसका इंटीग्रेशन होगा और वो सैटेलाइट भी लॉन्च होगा। सो इसरो के काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम में अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन भी है, हमने चंद्रयान 2 पार्शली सक्सेसफुल किया था, हमारा ऑर्बिटर कक्षा में अच्छी तरह से विस्थापित हो गया था, लेकिन हमारा जो रोबोटिक इक्विपमेंट था रोवर और लैंडर सिस्टम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे, अब साइंटिस्ट ने वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर दिया है और हम चंद्रयान 3 भी इस साल के मध्य में शायद जून जुलाई में लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि भारत के पास दुनिया के सबसे अच्छे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से होने के साथ साथ जिस तरह से इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की है, एक साथ 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं यहां पर, ये 2023 का दूसरा सफल मिशन, किस तरह से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत अपनी जो मौजूदगी है वो यहां पर बढ़ाता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और किस तरह से इसरो के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं, किस तरह से आगे की राह है, उस पर भी खास उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।